हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्वेल्थ क्लास के एनसीईआरटी मैथ्स का सिलेबस देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी मैथ्स फॉर ट्वेल्थ क्लास। ट्वेल्थ क्लास के एनसीईआरटी मैथ्स का हम लोग सिलेबस देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले जो हमें पढ़ना है रिलेशंस एंड फंक्शंस। इस यूनिट में हम लोग कुल चार चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग रिलेशंस, दूसरा पढ़ेंगे फंक्शंस, तीसरा पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशंस और चौथा पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसे हम लोग आरटीएफी बोलते हैं। दूसरे यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, तो दूसरा यूनिट हम लोग का अलजेब्रा। अलजेब्रा में भी हम लोग चार चैप्टर पढ़ने वाले हैं, यानी कि मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स और एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। और जो चौथा चैप्टर है वह है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। नेक्स्ट यूनिट हम लोग का कैलकुलस। कैलकुलस में हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहले पढ़ेंगे हम लोग कंटिन्यूटी, उसके बाद पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद होगा डिफरेंशिएशन, उसके बाद होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स और तब होगा रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम। और लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम को ही हम लोग बोलते हैं एलएमवीटी। कैलकुलस का नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें कुल हम लोग पांच चैप्टर पढ़ेंगे। पहला होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, दूसरा होगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, तीसरा हो जाएगा टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, चौथा हो जाएगा अप्रोक्सीमेशन और पांचवा होगा मैक्सिमा एंड मिनिमा। नेक्स्ट है हम लोग का इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स में हम पढ़ने वाले हैं इनडिफिनिट इंटीग्रल्स, डिफिनिट इंटीग्रल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स। नेक्स्ट है हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, जिसे हम एओआई भी बोलेंगे। इसी को दूसरा नाम से भी हम जानते हैं, एरियाज इंक्लोज्ड बाय द कर्व्स। और कैलकुलस का लास्ट चैप्टर होगा हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट वेक्टर्स। वेक्टर्स में कुल हम लोग को तीन चैप्टर पढ़ना है। पहला पढ़ना है वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इस बार पढ़ेंगे हम लोग वेक्टर और क्रॉस, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। नेक्स्ट यूनिट हम लोग का थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसे हम लोग थ्री डी भी कहते हैं। थ्री डी में हम लोग चार चैप्टर पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइंस, उसके बाद पढ़ेंगे डायरेक्शन रेशियोज, फिर पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइंस और तब पढ़ेंगे हम लोग द प्लेन। इसके बाद हम लोग का यूनिट आता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, जिसे हम लोग एलपीपी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हम लोग का यूनिट आएगा प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से हम पूरा सिलेबस देखें। पूरा सिलेबस के बारे में जानने से हम लोग को ये पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहा है, उसमें कौन से कॉन्सेप्ट लगाने हैं, ये इन बातों को हमको पता चल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि किस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग का पहला यूनिट है रिलेशंस एंड फंक्शंस, इससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यूनिट हम लोग का अलजेब्रा, अलजेब्रा से 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यूनिट हम लोग का कैलकुलस, कैलकुलस से सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे आता है 44 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसके बाद वेक्टर्स एंड थ्री डी, ध्यान रखिए वेक्टर्स एंड थ्री डी, वेक्टर और थ्री डी दोनों मिलाकर के आता है 17 नंबर। नेक्स्ट यूनिट हम लोग का एलपीपी और इससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और तब होगा प्रोबेबिलिटी, जिससे हम लोग का 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इस तरीके से टोटल हम लोग का 100 मार्क्स हो जाता है।